आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग की मीनिंग मैंने आपको क्या बताई थी, डायरेक्टिंग का मीनिंग मतलब डायरेक्ट करना कि कैसे करना है क्या करना है। मेन फंक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। प्लानिंग कर दिया हमने, ऑर्गेनाइज कर दिया हमने, स्टाफिंग भी कर दिया, बट अभी हमें यहाँ पे डायरेक्ट करना है स्टाफ को कि कैसे काम करना है, क्यों करना है, किस वक्त करना है, हमें किस डिपार्टमेंट में कौन डायरेक्ट करेगा। तो वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। इनिशिएट एक्शन, यहाँ से ही काम स्टार्ट होता है। इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन में बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है काम। सबॉर्डिनेट बताते हैं कि एक्शन कैसे स्टार्ट करना है, कौन करेगा, कैसे करना है। तो इनिशिएट एक्शन मतलब स्टार्ट करना है यहाँ से एक्शन। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, रिलेटेड एफर्ट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड एफर्ट्स हैं। सब डिपार्टमेंट्स में सबॉर्डिनेट्स बताते हैं कि डायरेक्ट करते हैं कि कैसे काम करना है। तो स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करता है डायरेक्टिंग। अगर हम डायरेक्ट करेंगे प्रॉपरली तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहेगा। अडॉप्टिंग चेंजेस, इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ भी चेंजेस होता रहेगा तो डायरेक्टिंग के थ्रू वो चेंजेस एक्सेप्ट होती रहेंगी। कुछ भी चेंज हुआ तो अगर हमने किसी भी सबॉर्डिनेट ने डायरेक्टिंग किया है, अगर प्रॉपरली डायरेक्ट हुआ रहेगा तो वो चेंजेस अडॉप्ट होती रहेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे डायरेक्टिंग प्रॉपर होगी तो। टीम वर्क, टीम वर्क मतलब ये पूरा एक टीम वर्क है, टीम वर्क साथ में करेगा डायरेक्टिंग प्रॉपर होगा तो टीम वर्क साथ में होगा। अगर टीम वर्क साथ में नहीं होगा, डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो। ओके, इंक्रीज एफिशिएंसी, डायरेक्टिंग प्रॉपर होगा तो वर्क में एफिशिएंसी प्रॉपरली आएगा, वर्क प्रॉपरली होगा। एम्प्लॉई वर्क प्रॉपरली करेंगे जैसे सबॉर्डिनेट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही। ओके, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी इंडिविजुअल का डिफरेंट पोटेंशियल होता है, वो एक्सप्लोर होता है डायरेक्टिंग के थ्रू, क्योंकि डायरेक्टिंग हमें हेल्प करता है कि बताता है कौन सा काम कौन करेगा। तो वो डायरेक्ट करने के टाइम एक्सप्लोर होता है हर किसी का पोटेंशियल। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, तो वो भी डायरेक्टिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। क्लियर, यहाँ से प्लान स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस है, अडॉप्टिंग चेंजेस है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, टीम वर्क है, इंक्रीज एफिशिएंसी है, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल का एक्सप्लोर करता है पोटेंशियल, और कोऑपरेशन है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या, एक दूसरे से डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट हो रखे हैं। एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो ही पॉसिबल होगा ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव होना। तो अभी देखें इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क है। इंटीग्रेटेड मतलब रिलेटेड एक ग्रुप एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने बताया जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुई ग्रुप एक्टिविटी है। अगर हमें जुड़ी हुई ग्रुप एक्टिविटी है तो कोऑर्डिनेटिंग जरूरी है। अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे तो ही ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर प्रॉपरली डायरेक्शन मिलेगा तो ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा प्रॉपरली तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। फैसिलिटेट मोटिवेशन, यहाँ पे अगर डायरेक्शन प्रॉपर मिलेगा, टीम वर्क होगा तो मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉइज को काम करने के लिए। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, डायरेक्शन प्रॉपर मिलेगा, स्टाफिंग प्रॉपर होगा, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगा, प्लानिंग प्रॉपर होगा, कोऑर्डिनेट एक दूसरे से डिपार्टमेंट होंगे, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव भी हमारा अचीव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गुडविल भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी इम्प्रूव होगा, स्पेशलाइजेशन भी आएगा लोगों में, और हायर एफिशिएंसी वर्क में हमारा एफिशिएंसी भी हायर रहेगा। ये क्या है, इंटीग्रेटेड एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसीजर है,
अगर डायरेक्शन होगा तो ये दूसरे से कोऑर्डिनेट होगा, मोटिवेशन होगा एम्प्लॉयज का, और यूसेज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, रिलेशन इम्प्रूव होगा और गुडविल इम्प्रूव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्शन होगा अच्छे से, कोऑर्डिनेशन होगा अच्छे से, तो स्पेशलाइजेशन आएगा वर्क में और इफिशेंसी होगा वर्क में. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मैंने क्या बताया था, कंट्रोलिंग हर किसी जगह ज़रूरी है. कंट्रोलिंग नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है किसी भी वर्क को कंप्लीट कराना, कोई भी काम नहीं करेगा अच्छे से अगर कंट्रोल नहीं रहेगा. तो मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया था, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. अभी इम्पोर्टेंस उसके क्या है हम देखते हैं. अगर कंट्रोलिंग रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल होंगे, एफिशिएंट यूज होगा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का कंट्रोलिंग होगा तो. इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन, अगर कंट्रोल होगा तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे काम करने के लिए कि हाँ बाबा कि कंट्रोल है कि हमें इतने टाइम पे इतना करना है. ये कंट्रोल है एक तरीके से कि हमें इतने टाइम पे इतना रेस्ट्रिक्शन है करना है, तो वो मोटिवेट होंगे कि करना है हमें. ओके, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहेगा कंट्रोलिंग के वजह से. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन है, दूसरे से कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेट रहेंगे लोग. ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का अगर कंट्रोल रहेगा तो. मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बरकरार रहेगा कंट्रोल रहेगा तो. क्या बताया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव रहेगा अगर कंट्रोल रहेगा तो, यूज रिसोर्सेज का प्रॉपर रहेगा अगर कंट्रोल रहेगा तो, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि उनको पता है डेडलाइन हमें इतने वक्त में इतना पूरा करना है, और ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बरकरार रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होगा तो. और इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब वर्क अच्छा होगा और अच्छे तरीके से होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से कंडक्ट होगा अगर कंट्रोल होगा तो. ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, आई विल श्योरली आंसर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल. थैंक यू.